गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस क्लासेस। इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव डन द जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग ने प्रिपरेशन पढ़ा था और वो प्रिपरेशन था एल्कोहल के साथ जब हम लोग रिएक्शन कर रहे थे हैलोजन एसिड का, और दूसरा पढ़े थे जिसमें हम लोग रिएक्शन कर रहे थे केबीआर और एनएबीआर का। आज हम लोग फिर से कर रहे हैं जिसमें रिएक्शन आप लोग को करना है किसके साथ, रिएक्शन में PCl5 एंड PCl3। PCl5 क्या होता है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, एंड PCl3 इज फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल मैंने लास्ट क्लास में बता दिया है, अल्कोहल क्या होता है, ROH होता है। ठीक है, प्लस किसके साथ रिएक्शन करना है हम लोग को, रिएक्शन विद PCl5 के साथ। ठीक है, तो PCl5 ROH मीन्स ये क्या हो गया, अल्कोहल। ठीक है, PCl5 यानी कि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। जब ROH जो है होता है, जो अल्कोहल जो है When alcohol is react with phosphorus pentachloride, then it form alkyl halide. कैसे बनेगा? R और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं Cl कितना है? 5. तो हम लोग एक Cl का use किए, तो ये हो गया RCl, यानी कि ये हो गया आपका क्या? Alkyl halide plus क्या बच गया आपका? Phosphorus और OH. OH भी बचा हुआ है, तो ये बन जाएगा POCl3. और आपके पास क्या हो गया, Cl5 था, तो एक Cl यहाँ यूज किए, एक Cl यहाँ यूज किए, यानी कि टोटल 4 हो गया, एक Cl हम लोग का बचा होगा, तो प्लस HCl। इसका नेम क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, और इसको तो आप लोग जानते ही हैं ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो अब इससे रिलेटेड अगर हम लोग एक रिएक्शन करते हैं तो CH3CH2OH प्लस PCl5, तो ये क्या बना देगा, CH3CH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, CH3CH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, यानी कि इथाइल अल्कोहल रिएक्ट, व्हेन इथाइल अल्कोहल इज रिएक्ट विद PCl5 देन इट फॉर्म इथाइल क्लोराइड प्लस फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड प्लस HCl। अब हम लोग नेक्स्ट एक रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में हम लोग किसके साथ रिएक्शन करेंगे, हम लोग रिएक्शन करेंगे PCl3 के साथ। ROH plus PCl3 क्या बनाना है हम लोग को, बनाना है alkyl halide। ये आप लोग को पता है alcohol, ये plus phosphorus trichloride, ये pentachloride था, ये trichloride हो गया, तो हो गया RCl plus क्या हो गया। अब हम लोग इसमें और हमको product बनाना है। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या है, Cl आपका 3 है, number of chlorine atom is 3, लेकिन number of alkyl group एक ही है, तो हम लोग को क्या करना होगा, इसको balance करने के लिए यहाँ पे 3 लिखना होगा, तो 3RCl, यानी कि मेरा R भी बैलेंस हो गया और मेरा Cl भी बैलेंस हो गया, लेकिन अब हाइड्रोजन 3 हो गया, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो H3 लिखेंगे, और फास्फोरस, फास्फोरस तो एक ही है, तो P लिखेंगे प्लस O लिखेंगे, और O कितना है, 3 है, तो H3PO3, ये आपका क्या बन गया, अल्काइल हैलाइड मींस क्या, अल्काइल क्लोराइड है, Cl है, और इसका नेम क्या होता है, फॉस्फोरस एसिड, ये क्या है आपका, फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, तो ये रिएक्शन हम लोग का हो गया किसके साथ, PCl5 के साथ एंड PCl3 के साथ। दूसरे रिएक्शन पे हम लोग आते हैं, रिएक्शन विद SOCl2, रिएक्शन विद SOCl2, SOCl2 का मतलब क्या होता है, किसके साथ रिएक्शन, SOCl2 का नेम क्या होता है, थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, SOCl2 मींस थायोनिल क्लोराइड, तो व्हेन अल्कोहल इज रिएक्ट विद थायोनिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, अल्कोहल जब रिएक्ट करता है किसके साथ, SOCl2 के साथ, किसके प्रेजेंस में, पिरिडीन के प्रेजेंस में। ठीक है, अल्कोहल इज रिएक्ट विद थायोनिल क्लोराइड, इट इज थायोनिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, देन इट फॉर्म अल्काइल हैलाइड, तब ये क्या बनाएगा, अल्काइल हैलाइड प्लस क्या बच गया आपका, SO2। ठीक है, S हो गया, O हो गया, O कितना है, 2 हो गया हम लोग का, R हो गया, Cl हो गया, प्लस क्या बच गया, HCl। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया SO2
in the presence of pyridine, then it forms CH3, CH2Cl plus SO2 plus HCl. Yani ki when alcohol is react with sulfur dioxide, SO2 is sulfur dioxide. In the presence of pyridine, then it forms CH3CH2Cl means ethyl chloride plus SO2 plus HCl. तो ये हम लोग का दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया. हम लोग और एक मेथड कर लेते हैं, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में आ जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक जो है, नेक्स्ट जो हम लोग का प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से. ठीक है, नेक्स्ट सेकंड नंबर, नेक्स्ट प्रिपरेशन इज सेकंड नंबर क्यों लिखे, क्योंकि वो अल्कोहल से ही चार रिएक्शन था हैलोजन एसिड का, ये फ्रॉम हाइड्रोकार्बन. ठीक है, हाइड्रोकार्बन में फ्रॉम एल्केन, ये सॉरी ए नंबर है, बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन. ठीक है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से प्रिपरेशन करना है जो है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन. फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन मींस फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन गिव्स अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक मोनो एंड पॉलीहैलो कंपाउंड्स. ठीक है, जब फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन होता है तो ये क्या देता है, एक आइसोमेरिक कॉम्प्लेक्स देता है मोनो एंड पॉलीहैलो के. उसका हम लोग एक रिएक्शन करते हैं, जैसे CH3 CH2 CH2 CH3. ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, मैं इसको यहाँ नीचे लिख दे रही हूँ, यहाँ पे आप लोग को समझ में नहीं आएगा. ठीक है, देखिए दो हम लोग का ये आइसोमेरिक कॉम्प्लेक्स बना है जिसमें हम लोग रिएक्शन जो है वो कर रहे हैं किसके साथ, कर रहे हैं CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस ये जो है वो रिएक्शन है किसके साथ है, Cl2 के साथ है, अल्ट्रावायलेट लाइट HB भी लिख सकते हैं हम लोग, HB के प्रेजेंस में, इनके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा तो हम लोग को ये आइसोमेरिक कॉम्प्लेक्स देगा जो कि क्या कंपाउंड है, आइसोमेरिक कंपाउंड है. आइसोमेरिक मींस आइसोमर्स. आइसोमर्स आप लोग 11th में स्टडी कर चुके हैं कि आइसोमर्स का मतलब क्या होता है, कि द कंपाउंड व्हिच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला. यानी आप लोग इसको देखिएगा, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, वो डिफरेंट होता है. यानी कि हम लोग जो है वो इसमें रिएक्शन किए हैं, किसका रिएक्शन किए हैं हम लोग, इसमें ब्यूटेन का रिएक्शन किए हैं. ठीक है, तो ब्यूटेन का जब रिएक्शन किए हम लोग तो हम लोग को कौन सा कॉम्प्लेक्स मिला, आइसोमेरिक कॉम्प्लेक्स मिला. ठीक है, और जब आइसोमेरिक कॉम्प्लेक्स अगर नहीं मिलता है और इसका सेपरेशन जो होता है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, लेकिन जब हम लोग को आइसोमेरिक कॉम्प्लेक्स नहीं मिलता है तब हम लोग अगर सेपरेट करें तो हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स मिलते हैं, जिसमें हम लोग मीथेन का रिएक्शन करते हैं Cl2 के साथ तो हम लोग को क्लोरोमीथेन मिलता है, फिर हम लोग Cl2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो डाइक्लोरोमीथेन बनता है, फिर ट्राइक्लोरोमीथेन, फिर टेट्राक्लोरोमीथेन और लास्ट हम लोग को टेट्राक्लोरोमीथेन जो है वो मिल जाता है. तो और बहुत सारे प्रिपरेशन जो है वो आप लोग और भी स्टडी करिएगा. इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स एंड ऑल्सो डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरीज. आज हम लोग प्रिपरेशन किया है हैलो एल्केन्स का, हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे.
डेकोरेशन करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।